हे सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार आपका स्वागत है अपने चैनल वीके न्यू में। तो यार मैं आज आपको इस वीडियो में खास वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। वैसे तो आपने वीडियो देख ली होगी और आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो यार ये वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है और जो भी इसे बना के डाल रहा है खूब सारे लाइक्स बटोर रहा है। तो जल्दी से जाइए, आप भी क्रिएट करके इसे अपने टिकटॉक आईडी पे डालिए और देखिए कि कितना लाइक मिलता है आपको इस वीडियो पे। तो यार वीडियो कैसे बनानी है वो आपका भाई बताएगा बड़ी आसानी से। सिर्फ आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और फॉलो करना है जो जो आपका भाई आपको बताए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यार तो उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो यार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपका भाई लाता रहता है जिससे आप सीख के अपने टिकटॉक आईडी पे डाल सको। तो चलिए वीडियो बनाना जल्दी से सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको टिकटॉक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइमर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे 10.5 सेकंड तक जो है वो ड्यूरेशन रख लेना है। उसके बाद आपको फिर से शूटिंग स्टार्ट कर देनी है। स्टार्ट करने के बाद आपको जब आपका काउंटडाउन चालू हो जाए तो आपको कैमरे के सामने से हट जाना है और कुछ इस तरीके से आना है और कुछ इस तरीके से एक्टिंग कर लेनी है, या फिर आप कुछ दूसरा भी कर सकते हो। और जब अपना हैंड आप कैमरे पे लगाते हो या फिर किसी चीज़ से आप जो है वो कैमरे को छिपा देते हो, तो यहाँ पे मैंने दो उंगली लगाई। तो आप एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप फर्स्ट में लगाओ, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो उंगली लगाई, तो आप जब क्लॉथ चेंज कर गया हो तो भी आपको दो ही उंगली लगानी है। फिर से आपको जो है वो काउंटडाउन चालू करना है और दो उंगली वहीं से लगा के वहीं से हटाना है। तो चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने जो है वो हटा दिया और मैं फिर से क्लोथ चेंज करके आया। मैंने टाइमर जो है वो सेलेक्ट कर लिया। फिर से आपको टाइमर 13.1 सेकंड तक रखना है। उसके बाद आपको शूटिंग स्टार्ट कर देनी है और आपको वही कैमरे पर लगाना है अपने हैंड को जहाँ से आपने पहले में लगाया था, और उसको हटा देना है। तो आपको फिर से दूसरा पोज देना है। तो यहाँ पे मैंने तीसरे में जो है तीसरे पार्ट में अपना हैंड लगाया। फिर से आप क्लोथ चेंज करके आना है आपको, और जो है वो फिर से वहीं पे हैंड रखना है और आपको शूटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे आपको वहीं से हैंड रखना है और आपको उसे सिंपल से हटा देना है, और जब आप हटा दोगे तो आपकी वीडियो बन के तैयार हो जाएगी आपके सामने। तो आपको कुछ इसी तरीके से कर लेना है और आपकी वीडियो आपके सामने। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर दो यार, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही ट्यूटोरियल्स लाता रहता है जिससे आप सीख के टिकटॉक आईडी पे तहलका मचा सको, टिकटॉक पे तहलका मचा सको, कुछ नया कर सको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की।